हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ाई की। अब अगले तीन वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट टाइप। सो वी ऑलरेडी नो कि ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, और इसको हम बहुत सारे अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में यूज करते हैं सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट के तीन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, द सेकेंड वन इज स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एंड द थर्ड वन इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, हम आज के वीडियो में बैच ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टोकैस्टिक, और थर्ड वाले में मिनी बैच। हम हर जो टाइप है उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ऑल द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बहुत डिफरेंट है नहीं, बस एक छोटी सी चीज चेंज होती है जिसकी वजह से तीन अलग अलग टाइप्स हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कोडिंग में चेंजेस आएंगे तो हम कोड भी करके देखेंगे, उसको साइड बाय साइड कंपेयर करके भी देखेंगे। ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कब कौन सा टाइप का ग्रेडियंट डिसेंट यूज करना सही रहता है। ठीक है, अब यू माइट बी थिंकिंग कि किस बेसिस पर ये तीन अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब व्हाट इज द बेसिस जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हो कि अच्छा अब मुझे तीन अलग टाइप्स मिल रहे हैं। सो एक्चुअली अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो, वन मोर थिंग गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसके पहले आपको पिछला वीडियो देखना जरूरी है, बिकॉज हम पिछले वीडियो के ऊपर ही हम डिस्कशंस करेंगे सारा का सारा। ठीक है, तो इट्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि आप लास्ट वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखो, अदरवाइज हो सकता है आपको पूरी तरीके से समझ में ना आए। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप लीनियर रिग्रेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, और लाइन का इक्वेशन निकालना है मतलब एम और बी निकालना है, तो ग्रेडियंट डिसेंट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है कि आप एम और बी का कोई भी रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करते हो और फिर आप आइटरेट करते हुए लूप चलाते हुए इन वैल्यूज को चेंज करते करते सही वैल्यूज तक पहुंचते हो। ठीक है, और हर बार आप लूप के अंदर क्या करते हो, आप m और b को अपडेट करते हो। m को अपडेट कैसे करते हो, m होता है, m का नया वैल्यू होता है m का ओल्ड वैल्यू माइनस लर्निंग रेट। लर्निंग रेट इज अ नंबर, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद द स्लोप। स्लोप किस चीज का, आपका लॉस फंक्शन का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू डीएम, पुराना वाला। ठीक है, वो आप निकालते हो, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली आप बी न्यू फाइंड करने के लिए बी ओल्ड को पकड़ते हो, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हो स्लोप को एट बी इक्वल टू जीरो, और इस केस में ये वाला स्लोप क्या है, आपका लॉस फंक्शन का डिफरेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डीबी। एक्चुअली इसको डेल एल बाय डेल बी बोलना चाहिए, सिमिलरली इसको डेल एल बाय डेल एम बोलना चाहिए, बिकॉज ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, क्योंकि ये जो एल है ये आपका एम और बी दोनों का ही फंक्शन था। तो जब भी ऐसा होता है तो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हो, जिनको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, जहां से इस एल्गोरिदम का नाम आया है। अब यहां पर मेन डिस्टिंक्शन क्या आता है कि जब आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हो तो आप ये स्लोप कैलकुलेट करने में अपना पूरा डेटा यूज करते हो। सो अगर आपके पास 300 रोज है आपके डेटा में, तो आप पूरे 300 रोज को देखने के बाद ये अपडेट लेते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपने पूरा 300 रोज पे देखा और फिर एक सिंगल अपडेट लिया, दैट इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो भी हमने कोड किया था, दैट वाज एक्चुअली बैच ग्रेडियंट डिसेंट, दैट वाज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, अब ये बहुत स्लो होता है, मतलब ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत स्लो होता है और इसमें कुछ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी से बचने का एक तरीका होता है स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकैस्टिक में आप ये जो अपडेट्स होते हैं ये आप सिर्फ एक सिंगल रो के बेसिस पे लेते हो, एक रो देख करके आप डिसाइड करते हो कि मेरा एरर कितना आ रहा है और फिर एम और बी में चेंजेस कर देते हो। ठीक है,
ये ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट होता है बट एरर प्रोन होता है, ठीक है? फास्ट है, जल्दी कन्वर्ज करता है, जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, कंप्यूटेशन कम करना पड़ता है, तो दिस इज स्पेशली सूटेबल फॉर लार्जर डेटा सेट्स, ठीक है? ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे, ठीक है? थर्ड वन इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बीच की चीज है, बैलेंस करता है। सो इसमें आप क्या करते हो, एक बैच साइज डिफाइन करते हो। सो लेट्स से आपने बैच साइज डिफाइन कर दिया 30 का, और मान लो आपके पास ओरिजिनली 300 रोज थे, तो अब क्या होगा कि आपका जो अपडेट है एम और बी का जो अपडेट है ये 30 रोज देखने के बाद होगा। मतलब आप एक बार जब डेटा सेट पे घूमोगे तो आप 10 बार अपडेट करोगे, वेरस अगर आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे होते तो 300 पे एक बार घूम के एक अपडेट लगाते, वेरस अगर आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे होते तो आप इस पे 300 बार अपडेट लगाते। आई होप आपको समझ में आ रहा है, जितने रोज उतने अपडेट्स स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, सारे रोज के बाद एक सिंगल अपडेट बैच ग्रेडियंट डिसेंट, और फिर एक नंबर डिसाइड करना कि बैच साइज इतना होगा, वो होता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? तो जनरली स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ज्यादा यूज होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और उसी के अंदर फिर मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट कभी कभी इंप्लीमेंट होता है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा रेयर है और इट इज स्पेशली यूज व्हेन यू हैव कॉन्वेक्स फंक्शंस, जैसा आपके पास लीनियर रिग्रेशन के केस में होता है, कॉन्वेक्स फंक्शन अगर आपके पास है तो फिर बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया जा सकता है। बट उसमें भी ये शर्त है, ये प्रॉब्लम है कि डेटा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा बहुत बड़ा होगा तो कैलकुलेशंस नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब मैं आपको कोड लिख करके बताऊंगा, ठीक है? सो इन शॉर्ट हमें इस वीडियो में बैच ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ना था, बट गेस व्हाट, हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही था। तो मैंने क्या प्लान किया है कि मैं इस वीडियो में आपको बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही पढ़ाऊंगा बट फॉर मोर देन 2D। मतलब अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में जो कोड लिखा था, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाया था, वो 2D डेटा के ऊपर था, कुछ इस तरह के डेटा के ऊपर, CGPA, LPA, दिस वॉज एक्स, दिस वॉज वाई, सो 2D डेटा, दिस टाइप ऑफ डेटा। तो यहां पे ऑब्वियसली आपको सिर्फ दो कोफिशिएंट्स निकालने थे, M और B। बट वॉट इफ आपके पास एक ऐसा डेटा है, बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का केस है, अगर आपके पास CGPA भी है, अगर आपके पास IQ भी है, आपके पास जेंडर भी है, और आपके पास फिर LPA है, तो इस केस में आपके कोफिशियंट्स कितने होंगे? ये मैंने आपको बताया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, दिस टाइम अगर आपको वाई को प्रिडिक्ट करना है तो आपको लगेगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, दिस इज एक्स वन, प्लस बीटा टू एक्स टू, आई क्यू इज एक्स टू, प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री, जेंडर इज एक्स थ्री, ठीक है? तो इस बार आपको कितने कोफिशियंट फाइंड आउट करने हैं, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। बेसिकली जितने कॉलम्स आपके इनपुट में हैं उसमें प्लस वन कर दो, इंटरसेप्ट वाला टर्म ऐड कर दो, उतने कोफिशियंट आपको निकालने हैं। सो वॉट इफ आपके पास एक एनडी डेटा है, एन डायमेंशनल डेटा, इन दैट केस आपके पास एन प्लस वन कोफिशियंट होंगे, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, बीटा एन। सो हम इस वीडियो में ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना सीखेंगे टू अ एन डायमेंशनल डेटा सेट, और हम सीखेंगे कि एक साथ इतने कोफिशियंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अभी तक हमने जो भी फॉर्मुलेशन किया था that was essentially restricted to a 2D data set. Obviously, आपको real world scenario में बहुत कम ही 2D data sets मिलेंगे. Real world scenario में आपको mostly multiple linear regression करना पड़ता है. More than 2D वाला data आपको मिलता है. तो आज का class will be about formulating, mathematically formulating कि ND में क्या होता है. Plus, आपको उसका code भी लिखना है. ये पूरा काम हम लोग आज के video में करेंगे.
ठीक है. सो आई होप आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल गया. नाउ लेट्स डाइव इनटू द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव और फॉर्मुलेशन ऑफ बैच ग्रेडियंट डिसेंट फॉर एन डायमेंशनल डेटा. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. और सी ऑनेस्टली जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, द मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट. सो व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से चीजों को चेंज करके आपको पढ़ाऊंगा सो दैट आपको थोड़ा बेटर समझ में आए. ठीक है. सो फॉर नाउ rather than assuming कि हमारे पास एक n dimensional data set है, what we will assume is कि हमारे पास एक तीन column का data set है. ठीक है. मान लो हमारे पास जो data है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, CGPA, IQ and LPA. ठीक है. So this will become x1, this will become x2 and this will become y. ठीक है. और फिलहाल अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ दो रोज डेटा है, मतलब मेरे पास दो ही स्टूडेंट्स का डेटा है. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टूडेंट हैज गॉट 8.1 एज सीजीपीए, 93 एज आईक्यू एंड 3.2 एज उसका एलपीए पैकेज. ठीक है. सेकंड वन हैज गॉट 7.5, 95 एंड 3.5. मान लो मेरे पास सिर्फ इतना डेटा है, मेरे डेटा का शेप है 2.3. ठीक है. मैं जानबूझ के इतने छोटे डेटा से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं इसको n कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. अब लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. अब इस केस में अगर आपको y एज इन LPA कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंस यहाँ पर एक से ज्यादा इनपुट कॉलम्स है, फॉर्मूला विल बिकम बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, जहां पे एक्स वन है CGPA, प्लस बीटा टू एक्स टू, जहां पे बीटा, जहां पे एक्स टू है आई क्यू. ठीक है. तो अब मुझे इस केस में तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा टू. जब हमने थोड़ी देर पहले ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था वहां पे हमको सिर्फ दो कोफिशिएंट्स निकालने थे, एम और बी. अब सिंस एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप कैसे स्टार्ट करोगे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना. स्टेप वन हमेशा की तरह होगा कि आप, यू विल स्टार्ट विथ रैंडम वैल्यूज. ठीक है. सो जनरली आपका जो इंटरसेप्ट टर्म होता है, इस केस में बीटा नॉट, दिस विल बी जीरो. जनरली आप इंटरसेप्ट टर्म को जीरो से स्टार्ट करते हो. और जो आपके कोफिशियंट्स होते हैं, बीटा वन, बीटा टू, अगर बीटा थ्री होता या बीटा फोर होता तो उनको आप वन से इनिशियलाइज करते हो. दैट इज द जनरल नॉर्म. और भी इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं बट यहाँ पे आप जनरली इसी पैटर्न से स्टार्ट करते हो. ठीक है. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट. मतलब आप एक ईपॉक डिसाइड करोगे, मान लो ईपॉक 100 है, और आप एक लर्निंग रेट डिसाइड करोगे, लेट्स से 0.1 है. अब आपको क्या करना है, आपको तीन, सिंस आपके पास कोफिशियंट्स है, आपको तीनों को अपडेट करना है क्योंकि आपने तीनों को रैंडम वैल्यू से स्टार्ट किया. तो आप लिखोगे बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स स्लोप. ठीक है. बीटा वन इज इक्वल टू बीटा वन माइनस लर्निंग रेट स्लोप एंड बीटा टू is equal to beta 2 minus learning rate times slope. ठीक है. अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे स्लोप किस चीज का कैलकुलेट होगा. सो आपका जो लॉस फंक्शन होगा अब वो अब एक्चुअली बीटा नॉट, बीटा वन और बीटा टू, तीन वेरिएबल्स का ये फंक्शन होगा. ठीक है. मतलब ये एक 4D ग्राफ बनेगा जहां पे एक एक्सिस पे बीटा नॉट होगा, एक एक्सिस पे बीटा वन होगा, एक एक्सिस पे बीटा टू होगा और एक एक्सिस पे लॉस होगा. तो ऑब्वियसली मैं ग्राफ आपको प्लॉट करके नहीं दिखा सकता बट ये ग्राफ एक फोर डायमेंशनल प्लेन में एक ग्राफ होगा. ठीक है. अब उस ग्राफ में आपको स्लोप निकालना है. तो उस फोर डायमेंशनल ग्राफ में जब आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट होगा बीटा नॉट के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा बीटा वन के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा बीटा टू के डायरेक्शन में. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपना लॉस
का इक्वेशन निकालना है और उसको फिर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, बीटा वन एंड बीटा टू. सो ये जो लॉस है, ये लॉस है ये वाला, जब आप अपने लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट. ये जो स्लोप है ये वाला, जब आप अपने लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा वन, और ये है जब आप अपने लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा टू. अब अगर आपके पास एन डायमेंशनल डेटा होता तो आपको कितने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ते, एन प्लस वन, बीटा नॉट से लेकर के बीटा एन तक. सो यही आपको करना होता है. आपके पास जितने कॉलम्स हैं उसमें से एक ज्यादा एन प्लस वन डेरिवेटिव्स आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और इस तरह के एन प्लस वन इक्वेशंस को आपको लूप के अंदर अपडेट करना होता है. दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, अब मैं बस आपको कुछ चीजें समझाऊंगा इस सिंप्लीफाइड डेटा से, और वो फिर आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एन डायमेंशनल डेटा को कैसे हैंडल करना है, ट्रस्ट मी. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको ये निकाल के दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको ये निकाल के दिखाऊंगा, और ये तीन चीजें जब आप देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बाकी अगर होगा कुछ भी, बीटा थ्री या बीटा फोर या बीटा एन, वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स नाउ फोकस आवर अटेंशन टू हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ योर लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरसेप्ट वाला टर्म, दैट इज बीटा नॉट. ठीक है, देखो कैसे करेंगे ये, बहुत स्लोली जाएंगे, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस. देखो हमारा लॉस फंक्शन क्या होता है, हमारा लॉस फंक्शन हमें पता है, अगर हम मीन स्क्वायर्ड एरर ले तो इट इज वन बाय एन, जहां पे एन बता रहा है नंबर ऑफ रोज, आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई माइनस वाई आई हैट. ठीक है, अब आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने यहाँ पे वन बाय एन नहीं लिया था लास्ट वीडियो में, एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है. एट द एंड हमें क्या करना है, हमें बीटा नॉट, बीटा वन और बीटा टू का ऐसा वैल्यू निकालना है जो इस लॉस को मिनिमाइज करे. तो जो बीटा नॉट, बीटा वन और बीटा टू की वैल्यूज इस लॉस को मिनिमाइज करेंगी, वो इस वन बाय एन के बिना वाले लॉस को भी मिनिमाइज करेंगी. तो आंसर सेम ही आता है, इट डज नॉट मैटर. इट्स जस्ट कि मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, MIT और स्टैनफोर्ड, इनके प्रोफेसर्स यहाँ पे 1 बाय एन लेके चलते हैं. तो जस्ट थोड़ा करेक्ट होने के लिए मैं यहाँ पे 1 बाय एन लगा रहा हूँ, बट ऑनेस्टली अगर आप यहाँ पे 1 बाय एन नहीं भी लगाओगे इट डज नॉट मैटर. जो चीजें आपके टोटल लॉस को मिनिमाइज करेंगी वो आपके मीन लॉस को भी मिनिमाइज करेंगी, दैट्स द लॉजिक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो एनीवेज, ये मेरा लॉस फंक्शन है, दिस इज माई मीन स्क्वायर्ड एरर, दिस इज माई MSE. ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, ठीक है. अब अगर हम ध्यान से देखें गाइस, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने गिवन डेटा के लिए मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं. ठीक है, मेरे डेटा में इफ यू रिमेंबर नंबर ऑफ रोज हैं दो, और नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट में जो है, आउटपुट को नहीं मिला रहा, मैं वाई को कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो है दो, टू प्लस वन है, दो इनपुट में एक आउटपुट में. ठीक है, अब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, सो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, सिंस मेरे पास सिर्फ दो रोज है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं समेशन को एक्सपैंड कर सकता हूं क्योंकि ये n का वैल्यू सिर्फ टू है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, y1 माइनस y1 हैट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 हैट का होल स्क्वायर. आई कैन राइट इट लाइक दिस क्योंकि मेरा डेटा बस इतना सही है, So this is y1. If you think this term is y1 and this term is y2, right? अब मुझे क्या करना है, मुझे y1 hat निकालना है. मुझे क्या निकालना है, मुझे y1 hat निकालना है. y1 hat कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, आपको पता है इसका फॉर्मूला. y1 hat निकालने का फॉर्मूला, इनफैक्ट किसी भी पर्टिकुलर रो का वाई आई हैट निकालने का फॉर्मूला है, बीटा नॉट प्लस एक्स. देखो
एक चीज और देख लो, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी जो चीज है, ये मेरा x है। दिस एंटायर थिंग इज माई x, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है, इसको मैं क्या बुला सकता हूं, इस फर्स्ट टर्म को मैं क्या बुला सकता हूं, इस फर्स्ट टर्म को मैं बुला सकता हूं x 1 1, ध्यान से समझना, ठीक है। इस सेकेंड टर्म को मैं क्या बुला सकता हूं, x 1 2, ठीक है। इस थर्ड टर्म को मैं क्या बुला सकता हूं, x 2 1, और इस फोर्थ टर्म को मैं क्या बुला सकता हूं, x 2 2। सिंपल नोटेशन दे दिया मैंने। अब गोइंग बाय दैट लॉजिक, सोच के देखना, अगर मुझे इस फर्स्ट रो के लिए प्रिडिक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे y1 हैट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसका फॉर्मूला ये होगा। मैं काम करता हूं, मैं इसको आई विल कट इट एंड आई विल ब्रिंग इट डाउन सो दैट आपके साथ ये डिस्कशन इजी हो जाए। सो या देखो, अगर मुझे इस फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट रो के लिए प्रिडिक्शन करना है, तो मुझे पता है कि कभी भी मेरा वाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वुड बी बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, यही फॉर्मूला होगा। अब अगर मुझे वाई वन हैट कैलकुलेट करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन। अब सिंस हम इस पहले रो का बात कर रहे हैं, तो बीटा वन का वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 8.1 से, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं x 1 1 प्लस बीटा टू इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी x 1 2। सिमिलरली जब मैं y 2 हैट निकालूंगा, तो इट विल बी बीटा नॉट प्लस बीटा वन, अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो इट वुड बी x 2 1 प्लस बीटा टू x 2 2। सो मैं बस बता रहा हूं कि आप ये y 1 हैट y 2 हैट कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारे पास y 1 है, ये रहा y 1, दिस इज y 1, हमारे पास y 2 भी है, ये रहा y 2, ठीक है। मुझे बस y 1 हैट और y 2 हैट को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे टर्म को एक्सपैंड कर दूंगा एंड आई विल राइट इट लाइक दिस, दिस विल बिकम y 1 माइनस y 2 हैट के बदले आई वुड राइट बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स वन वन माइनस बीटा टू एक्स वन टू। ये मेरा पहला टर्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस जो मेरा सेकेंड टर्म होगा वो हो जाएगा वाई टू माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स टू वन माइनस बीटा टू एक्स टू टू का होल स्क्वायर। ये है मेरा लॉस फंक्शन, दिस इज माय लॉस फंक्शन। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है डेल एल बाय डेल बीटा नॉट, मुझे बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। सो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 by 2, फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट दिस टर्म, आई विल डिफरेंशिएट दिस टर्म, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से ये आ जाएगा 2 times y1 माइनस, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये एज इट इज यहां पे आ जाएगा, बट इसको मैं वापस y1 हैट लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट बैक एज y1 हैट, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, चेन रूल लगा करके इस पूरी चीज को फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो 2 times ये हो गया। अब इस पूरी चीज को जब डिफरेंशिएट करेंगे, सोच के देखो, इसमें बीटा नॉट नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसमें है तो माइनस वन यहां पे आ जाएगा, सो यू विल हैव फॉर दिस वन माइनस वन। इस वाले में बीटा नॉट नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगा, इस वाले में भी बीटा नॉट नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब नेट में जब आप इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको ये मिलेगा जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। एंड गोइंग बाय द सेम लॉजिक, आपका जो सेकेंड टर्म है उसका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा 2 times y2 माइनस y2 हैट और यहां पे माइनस वन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस टू बाहर निकाल ले रहा हूं, माइनस टू बाय टू, ये माइनस टू मैंने बाहर निकाल लिया
और अंदर क्या आ जाएगा, y1 माइनस y1 हैट प्लस y2 माइनस y2 हैट। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल l बाय डेल बीटा नॉट। ठीक है, अब मैं ये कैंसिल नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास दो नहीं n रोज है। अभी तक मैं क्या मान के चल रहा था कि मेरे पास सिर्फ दो रोज है, अब अगर मान लो कि मेरे पास n रोज होते तो ये इक्वेशन कैसे हो जाता, यहां पे आता माइनस टू कॉमन, ये टू के बदले आ जाता n, और इस ब्रैकेट में होता आपके पास फॉर एवरी रो ये वाला टर्म, यहां पे थर्ड रो के लिए आ जाता y3 माइनस y3 हैट प्लस डॉट 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 प्लस yn माइनस y1 yn हैट। अब अगर आप इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा माइनस टू एन सिग्मा i इज इक्वल टू वन से n yi आई माइनस वाई आई हैट, और ये रहा गाइज आपका डेल एल बाय डेल बीटा नॉट। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने अभी कैलकुलेट किया, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये इक्वेशन है आपका इस वाले डेरिवेटिव का, इस वाले स्लोप का, आपने अभी जस्ट ये कैलकुलेट किया। तो अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू है बीटा नॉट का, हमारे पास लर्निंग रेट है, हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप सिंपली क्या कर सकते हो, बीटा नॉट का वैल्यू डाल सकते हो, करंट वैल्यू, और आपको आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला इक्वेशन। सो अगेन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ये सेकेंड स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू बीटा वन, व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट कट दिस थिंग, क्योंकि हम फिर से दो रोज लेके चलेंगे और फिर हम उसको एन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इससे मेरे को लगता है थोड़ा ईजी हो जाता है समझना। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल गो डाउन और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सो दैट आँख के सामने रहे। ठीक है, ओके, सो गाइज फिर से मैं एक बार लॉस फंक्शन को लिख रहा हूँ। हमारा लॉस फंक्शन इज सिग्मा वन बाय टू, टू इसलिए क्योंकि दो रोज हैं, i इज इक्वल टू वन से टू वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करके लिखने से वन बाय टू वाई वन माइनस वाई वन हैट होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू हैट होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसके बाद इसके अंदर वाई वन हैट फिट किया था, सो ये हो गया था, ये जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठे, और कोई रीजन नहीं है। y1 माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स वन वन माइनस बीटा टू एक्स वन टू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा नॉट एक्स टू वन माइनस बीटा टू एक्स टू टू का होल स्क्वायर। अब मुझे परफॉर्म करना है ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बीटा वन। ठीक है, तो पहले मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करता हूँ, इस वाले टर्म को, और ये वाला टर्म सेम लॉजिक फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू वन बाय टू, ये तो बाहर कॉमन है, और ये पूरा टर्म एज इट इज आ जाएगा चेन रूल की वजह से, तो टू टाइम्स वाई वन, और इतना जो टर्म है इसको मैं वापस y1 हैट लिख रहा हूं, सो इट वुड बी माइनस y1 हैट, और अब इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो जब आप इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इस बार बीटा नॉट वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, बीटा टू वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, बस ये वाला टर्म के अंदर बीटा वन है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस बीटा वन एक्स वन वन को विथ रिस्पेक्ट टू बीटा वन, आपके पास बचेगा माइनस एक्स वन वन, इसका मतलब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को विथ माइनस एक्स वन वन। ठीक है, और आई गेस आपको फिर सेकेंड वाले में समझ में आ रहा है, यहां पे भी आएगा टू टाइम्स वाई टू माइनस
y2 hat और इस बार आप मल्टीप्लाई करोगे इससे. आई एम सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, दिस शुड बी वन ठीक है. सो x21 आ जाएगा यहाँ पे माइनस x21 ठीक है. अब अगर आप सोचो मैं फिर से अगर इसको n के लिए कन्वर्ट कर दूं तो इस पूरी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस पूरी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना बहुत सिंपल है. हम लिखेंगे डेल एल डेल बीटा वन विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये माइनस टू बाहर निकाल लूं तो यहाँ पे माइनस टू, टू के बदले आ जाएगा एन क्योंकि अब हम एन रोज के लिए कर रहे हैं, और अंदर आ जाएगा वाई वन माइनस वाई वन हैट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन वन ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई टू हैट, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू वन, प्लस y3 माइनस y3 हैट, और यहां पे आ जाएगा x31, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस yn माइनस yn हैट, और यहां पे आ जाएगा xn1, राइट. अब थोड़ा सोच के देखो गाइस कि ये एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखते हैं. सिंप्लीफाइड तरीके से लिखने से ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय एन सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से लेके एन, और ये पूरे टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई आई हैट, और यहाँ पे देखो दो नंबर्स हैं वन वन और वन, फिर उसके बाद दो नंबर्स हैं टू और वन, फिर दो नंबर्स हैं थ्री और वन, और ऐसे करके एन और वन. तो यू कैन सी ये दूसरे वाला जो नंबर है वन ये कांस्टेंट है, पहला वाला नंबर वैरी कर रहा है i के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको लिख सकते हो x i 1. ध्यान से देखो मैंने ये लिखा x i 1. अब ये है आपका dl by del beta 1 ठीक है. अब यहां पे बस सोचने वाली बात ये है कि सब कुछ ठीक है, बाकी सब मुझे समझ में आ रहा है, बस ये समझना बाकी है कि ये एक्स आई वन हमारे डेटा में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स आई वन हमारे डेटा में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये देखो गाइस, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है, ऐसे ही मेरे पास थर्ड रो आएगा, ऐसे ही मेरे पास फोर्थ रो आएगा, और ऐसे ही मेरे पास nth रो आएगा, और ये एक्स वन है ठीक है. सो अगर आप इस फर्स्ट डेटा का बात करो तो ये एक्स वन वन है, अगर आप इस वाले का बात करो तो ये एक्स टू वन है, अगर आप थर्ड रो के फर्स्ट आइटम का बात करो ये x31 है, अगर आप लास्ट रो के फर्स्ट आइटम का बात करो तो ये x1 n1 है. इसका मतलब अगर आप इस पूरे कॉलम को कलेक्टिवली लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो xi1. सो इसका मतलब ये xi1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, योर फर्स्ट कॉलम का डेटा. सो अगर आपको समझना है कि यहां पे क्या हो रहा है, तो अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू बीटा वन निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है विद द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कॉलम ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही तो होता है, बीटा वन इस कॉलम का वेट है, बीटा टू इस कॉलम का वेट है, और अगर और कॉलम्स होंगे तो उतना ही हो जाएगा ठीक है. तो बस ये आपको समझना था कि ये एक्स आई वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके कॉलम की सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है. थोड़ी देर के बाद ये और क्लियर हो जाएगा. अब सोच के देखो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, डेल एल बाय डेल बीटा टू क्या होगा, अगर आप सोचो तो आपको आंसर मिल जाएगा. अगर आपसे कोई पूछे ये पूरी चीज दिखाने के बाद कि डेल एल डेल बीटा टू क्या होगा, आई गेस आप समझा पाओगे कि इट विल बी सेम, सब कुछ सेम होगा, बस एक चीज डिफरेंट होगी, और वो क्या है, वो है यहां पे वन के बदले आप टू लिखोगे, और एक्स I2 क्या है, x i2 है आपके सेकेंड कॉलम की सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो बहुत सिंपल है कि जब भी आपको डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कोफिशियंट के टर्म्स का, तो आपको बस उसके लिए उस पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको यूज करना पड़ता है ठीक है. अगर आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि अगर आपके पास m कॉलम्स हैं,
लेट्स से आपके पास m कॉलम्स हैं, तो आपके पास जो लास्ट बीटा होगा वो बीटा m होगा, ठीक है, बीटा नॉट से लेके आपके पास बीटा m होगा। तो अगर आप जनरल इक्वेशन लिखना चाहो डेल l डेल बीटा m के लिए किसी भी नंबर ऑफ कॉलम के लिए, तो आप इसको लिख सकते हो लाइक दिस, वाई आई माइनस वाई आई हैट एक्स आई एम, ठीक है, जो भी आप यहां पे m डालोगे वही m एम यहां पे डालोगे, एंड दैट्स द जनरल फॉर्मूला। आपको किसी भी कॉलम किसी भी कोफिशियंट के रिस्पेक्ट में जब लॉस फंक्शन निकालना है तो आपको ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर कोफिशियंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसकी वैल्यूज से, एंड दैट्स इट, यही है इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब बस हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे टू राइट आर कोड, टू राइट आवर कोड विल यूज दिस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया, एक बार कॉपी पेन लेके करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो या सो गाइज, कोडिंग में पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लीनियर रिग्रेशन जो साइकिट लर्न का है उस क्लास को यूज करके मैं पहले अपने डेटा सेट से एक्चुअल कोफिशियंस और इंटरसेप्ट का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, सो दैट उसको देख करके मैं समझ पाऊँ कि मेरा ग्रेडियंट डिसेंट वाला क्लास सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यू कैन सी सेटअप बहुत सिंपल है, लाइब्रेरीज को मैंने इम्पोर्ट किया, मैं ये डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ लोड डायबिटीज, आई बिलीव मैंने ये पहले भी कभी यूज़ किया है। इसमें आपके पास 10 इनपुट कॉलम्स हैं और एक आउटपुट कॉलम है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है, 442 रोज है। सो मैंने इसको इम्पोर्ट किया, ये बिल्ट इन डेटा सेट्स का फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे कुछ प्री प्रोसेसिंग नहीं करना होता, तो दैट इज वाई थोड़ा बढ़िया रहता है। सो यू कैन सी द शेप ऑफ द डेटा, 442, 10 आपके इनपुट में और आपका आउटपुट में एक कॉलम है 442 रोज, ठीक है। मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट परफॉर्म कर लिया, मैंने अपना मॉडल को ट्रेन किया और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कोफिशियंट देख रहा हूँ और अपने इंटरसेप्ट देख रहा हूँ। सी यहाँ पे मेरे पास 10 इनपुट कॉलम्स है, तो फॉर ईच ऑफ द कॉलम आई विल हैव वन कोफिशियंट, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री टिल बीटा टेन, और एक इंटरसेप्ट होगा बीटा नॉट। सो यू कैन सी ये रहा मेरा आंसर। सो ये जो पहला चीज है इसमें यू हैव गॉट 10 वैल्यूज, वन फॉर ईच कॉलम, ठीक है। सो देर आर 10 वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नीचे भी 5, 10, और ये आपका इंटरसेप्ट टर्म है। सो हम जब ग्रेडियंट डिसेंट क्लास बनाएंगे हमारा टारगेट होगा ये 11 वैल्यूज को फेच करना, निकालना, कैलकुलेट करना, और उसके बाद मैंने बस स्वाइप रेट कैलकुलेट करके आर टू स्कोर कैलकुलेट किया तो इट गेव मी 0.43, ठीक है। सो दैट इज द सेटअप, मतलब अब हम यहां से अपना क्लास बनाएंगे, ओके। सो बहुत सिंपल है, विल स्टार्ट विथ आवर क्लास, लेट्स कॉल इट जीडी रिग्रेसर। यहां पर वी विल हैव आवर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ चीजें सामने से मिल जाएंगी जैसे कि लर्निंग रेट क्या है, लर्निंग रेट क्या है, अगर लर्निंग रेट प्रोवाइड नहीं होगा तो मैं 0.01 को डिफॉल्ट ले लूंगा, ईपॉक्स क्या है, अगर कुछ प्रोवाइड नहीं होगा तो मैं 100 ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आई विल डिफाइन सर्टेन थिंग्स, फर्स्ट होगा मेरे कोफिशियंट्स, इनिशियली मैं इसको नन डिफाइन कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट इसको भी मैं इनिशियली नन मान रहा हूँ, सेल्फ डॉट एल आर एज इन लर्निंग रेट विल बी इक्वल टू द लर्निंग रेट प्रोवाइडेड टू मी, एंड सेल्फ डॉट ईपॉक्स वुड बी इक्वल टू ईपॉक्स जो भी मुझे ऊपर से मिल रहा है। तो ये मेरा सेटअप हो गया। इसके बाद मुझे दो और मेथड्स बनाने हैं, एक है फिट जिसमें मुझे एक्स ट्रेन मिलेगा और वाई ट्रेन मिलेगा, और यहाँ पे मैं कुछ करूंगा, और फिर मुझे एक और मेथड बनाना है प्रिडिक्ट जहां पे मुझे सेल्फ और एक्स टेस्ट मिलेगा और मुझे फिर से कुछ करना है। दिस इज द स्केलेटन कोड, ठीक है। अब हम लोग फोकस करते हैं हमारे फिट वाले मेथड पे, ठीक है। सो फिट वाले मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इनिशियलाइज करना है इनिट योर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब देखो गाइस,
इंटरसेप्ट को इनिशियलाइज करना बहुत सिंपल है क्योंकि ये एक सिंगल नंबर है, तो आपको पता है हम इनिशियली हमारा इंटरसेप्ट को जीरो लेते हैं, तो वी विल राइट सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको बताया था कि आपके जो कोफिशियंट्स होते हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं उतने कोफिशियंट्स होते हैं, उन सारे कोफिशियंट्स का इनिशियल वैल्यू आप वन से इनिशियलाइज करते हो, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने कोफिशियंट्स हैं? ये इंफॉर्मेशन कहां पर है? ये इंफॉर्मेशन है एक्स ट्रेन के अंदर। एक्स ट्रेन का शेप मुझे बताएगा कि मेरे डेटा में कितने कॉलम्स हैं। सो एक्स ट्रेन का शेप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि देर आर 10 कॉलम्स इन माई डेटा, मतलब मेरे पास कोफिशियंट भी कितने होने चाहिए, 10। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे इनिशियलाइज करूंगा, सेल्फ डॉट कोफिशियंट विल बी इक्वल टू एनपी डॉट वंस। और ये जो एरे इनिशियलाइज होगा इसका शेप क्या होगा, जो भी एक्स ट्रेन डॉट शेप होगा और उसका फर्स्ट नंबर, ये वाला नंबर। सो ये डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली इस एरे को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो यू कि सब कुछ ठीक से इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं। सो आई विल प्रिंट सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट एंड सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट, ठीक है। सो ये मेरी क्लास है अभी और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जी डी आर एज इन ग्रेडिएंट डिसेंट रिग्रेसर, ये जी डी रिग्रेसर क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो अगर मैं जी डी आर डॉट फिट करके यहाँ पे भेजू एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ये देखो ये है मेरा इंटरसेप्ट टर्म का इनिशियलाइजेशन और ये है 10 वंस, 5 और 5, तो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है, हर एपॉक के ऊपर मुझे लूप चलाना है। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन सेल्फ डॉट epochs। अब इस लूप के अंदर आई हैव टू अपडेट ऑल द कोएफिशिएंट्स एंड द इंटरसेप्ट, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। सो पहले मैं आपको इंटरसेप्ट अपडेट करके दिखाता हूं बिकॉज वो थोड़ा इजी है, ठीक है। सो इंटरसेप्ट को अपडेट करने का रूल होता है सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट माइनस लर्निंग रेट, सेल्फ डॉट लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरसेप्ट, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां जाना पड़ेगा, ये रहा वो फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला जो मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर अगर आप नोटिस करो कि मुझे करना क्या है, मुझे अगर ये कैलकुलेट करना है, लेट्स कॉल दिस थिंग टू बी इक्वल टू इंटरसेप्ट अंडरस्कोर डेर एज एन इंटरसेप्ट डेरिवेटिव, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो हमें इसके लिए ये पूरी चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इस पूरी चीज में अगर आप नोटिस करो तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि सबसे पहले तो ये देखो कि yi क्या है, what is yi? So yi is basically your output column, your target column, उसकी हर वैल्यू। आपके ट्रेनिंग डेटा में जो आउटपुट कॉलम है दैट इज yi, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो आपका जो y ट्रेन है दिस इज योर yi, ठीक है। What is yi hat? So yi hat है आपका मॉडल आपके इनपुट डेटा के ऊपर जो प्रिडिक्शन करेगा। सो अगर आपके इनपुट डेटा में देर आर 353 रोज, तो आप इन 353 एक्सेस को जब अपने मॉडल को दोगे तो वो एक प्रिडिक्शन करेगा, 353 प्रिडिक्शंस करेगा, दैट विल बी माय वाई हैट, ठीक है। तो वाई आई is y train, it's basically a matrix of 353 values, और आपका y hat जो है वो भी एक matrix है 353 values का। तो basically
ये जो summation है, ये जो term है, this is actually subtraction of two matrices. One matrix is Y train and one matrix is Y pred बोल सकते हो इसको या Y hat बोल सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये क्या है. What is this? सम करना और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करना क्या हो सकता है? सोच के देखो, कोई भी क्वांटिटी को अगर आप इस पूरी क्वांटिटी को y माइनस y हैट को अगर आप एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर दो, लेट्स से x से, x i से रिप्लेस कर दो, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n x i 1 बाय n. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप x का मीन निकाल रहे हो, राइट? समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज मीन कैलकुलेट करना. सो मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप पहले ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे, ये तो फाइंड आउट करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो y ट्रेन है. फिर आप ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको एक थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 353 ही रोज होंगे या 353 ही आइटम्स होंगे. क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स में 353 आइटम्स हैं, सेकंड में भी 353 आइटम्स हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स जिसमें 353 आइटम्स होंगे, ठीक है? और फिर आप उस 353 आइटम्स वाले मैट्रिक्स का मीन कैलकुलेट कर रहे हो. यू आर कैलकुलेटिंग द मीन, एक सिंगल नंबर, और फिर उस सिंगल नंबर को आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, विच विल अगेन बी अ सिंगल नंबर स्केलर. और फिर उस पूरे के पूरे इंटरसेप्ट डेरिवेटिव को आप फिर लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, विच इज अगेन अ सिंगल नंबर, और फिर उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट से, जो कि जीरो है. तो जीरो माइनस दैट नंबर विल अगेन बी अ सिंगल नंबर, और वही आपका नया इंटरसेप्ट होगा. सो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आपका इंटरसेप्ट विल ऑलवेज बी अ स्केलर, सिंगल नंबर होगा वो, ठीक है? तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें ये इंटरसेप्ट डेर का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो आई विल राइट इट ओवर हियर, इंटरसेप्ट डेर विल बी इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एनपी डॉट मीन ऑफ वाई ट्रेन माइनस वाई हैट. दिस इज द एक्सप्रेशन. मतलब माइनस 2 एनपी डॉट मीन वाई ट्रेन वाई हैट. अब यहां पे मेरे पास सब कुछ है. माइनस 2 मेरे पास है, मीन मैं निकाल सकता हूं, वाई ट्रेन का वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है, वाई हैट. सो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने हर एक्स ट्रेन वाले रो के लिए आई हैव टू कैलकुलेट वाई हैट. और वाई हैट कैसे निकलता है, अगर आप समझो वाई हैट कैलकुलेट कैसे होता है, हमारे पास वाई हैट का फॉर्मूला क्या है. मान लो आपके पास 3 कॉलम्स हैं, x1 x2 x3 और फिर आपके पास y है, और आपके पास ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है? तो इस फर्स्ट रो के लिए अगर आपको y हैट निकालना है, तो y हैट कैसे निकलेगा, y हैट विल बी इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 विथ दिस वैल्यू, इसको बोलोगे आप x11 प्लस बीटा 2 x12 प्लस बीटा 3 x13, ठीक है? अगर आपको y2 हैट निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x21 प्लस बीटा 2 x22 प्लस बीटा 3 x23. तो इस पूरे टर्म को अगर मैं चाहूं तो ब्रेक डाउन कर सकता हूं. व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट इट लाइक दिस, बीटा नॉट प्लस x11 x12 x13 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3. बेसिकली मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं. So I can write it like this, y hat is equal to np dot beta wala matrix as in coefficient wala matrix comma aapka x train ka pehla row, this first row, right? And usme plus kar do beta naught, you will get the y prediction for a particular row. बट अगर आप चाहो तो इस पूरी चीज को एक साथ भी कर सकते हो, इसको वेक्टराइजेशन बोलते हैं. लेट मी शो यू ये कैसे होता है. मतलब मुझे मान लो सभी रोज के लिए एक साथ प्रिडिक्शन कैलकुलेट करना है, तो मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा बीटा नॉट प्लस
np डॉट पूरा का पूरा एक्स ट्रेन कॉमा मेरा कोफिशियंट वाला मैट्रिक्स। देखो ये कैसे काम करेगा, एक्स ट्रेन का शेप क्या है, 353, 10 राइट, और मेरा कोफिशियंट का शेप क्या है, 10, 1 10 कोफिशियंट है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, ये दोनों सेम है, आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 353, 1 और बीटा नॉट क्या है, बीटा नॉट एक स्केलर है। सो आप इस स्केलर को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 353, 1 आइटम्स होंगे। और ये 353 वैल्यूज क्या है, दीज आर योर वाइप्रेड वैल्यूज फॉर ईच ऑफ योर रो। आपके पास रो कितने थे, 353, तो आपका वाइप्रेड भी निकल के आ गया। सो मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आपको ये जो वाइप्रेड या फिर वाई हैट बोल रहे हैं हम इसको यहाँ पे, ये जो कैलकुलेट करना है दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। यू हैव टू सिंपली राइट np डॉट x ट्रेन कॉमा सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट प्लस सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट, दैट्स इट। एक ही स्टेप में मेरे को 353 वैल्यूज वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा और फिर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अपने y ट्रेन से, तो फिर से मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसका मैं मीन कैलकुलेट करूंगा, उसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही मेरा डेरिवेटिव होगा और उसी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा लर्निंग रेट से, एंड दैट इज हाउ आई विल अपडेट माय इंटरसेप्ट वैल्यू। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं वाई हैट कि सच में ये 353 नंबर्स का मैट्रिक्स है कि नहीं, इनफैक्ट इसका शेप निकाल के बताता हूं। सो आई विल जस्ट प्रिंट आउट शेप ऑफ वाई हैट कॉमा, ठीक है, और या दैट्स इट, दिस इज द कोड। मैं नंबर ऑफ epochs ले रहा हूं टू बी इक्वल टू 1 और मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं और मॉडल फट गया। int object is not iterable, उसका रीजन ये है कि हम self.epochs के ऊपर ऐसे नहीं चला सकते, रेंज में चलाना पड़ेगा, my bad। अब सही है, अब चलाया हमने epochs equal to 1 और ये देखो shape of y hat is 353 और आपका जो ये है आपने प्रिंट किया लास्ट में इंटरसेप्ट का वैल्यू वो 0 से बढ़ करके 3 हो चुका है, इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल जब हमने निकाला था 151 था, तो वो एक आइटरेशन लेकर के 0 से 3 तक पहुंच गया। अब एक काम करते हैं फिर से इस कोड को चलाते हैं और अब मैं ये प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ये बस आपको दिखाने के लिए था, और लेट्स टेक 10 epochs, लेट्स सी वैल्यूज चेंज हो रही है कि नहीं। सो एट द एंड ऑफ 10 epochs जो वैल्यू है इंटरसेप्ट का दैट इज 27। सो हम अपडेट सही से ले पा रहे हैं, अगर हम 100 लेके करें सो यू कैन सी हम 130 तक पहुंच पा रहे हैं। सो इंटरसेप्ट वाला काम हो चुका है गाइस, अब हमें फोकस करना है हमारे कोफिशियंट्स को अपडेट करने के ऊपर। सो गाइस अब हमें आफ्टर हमने इंटरसेप्ट वाले को अपडेट करना सीख लिया, अब हमें कोफिशियंट्स को अपडेट करना है। ठीक है, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है कि सेल्फ डॉट सारे कोफिशियंट्स का नया वैल्यू कैसे निकलेगा। सारे कोफिशियंट्स का नया वैल्यू विल बी इक्वल टू सेल्फ डॉट कोफिशियंट माइनस, मैं इसको इनफैक्ट थोड़ा सा एक लाइन नीचे लिखता हूं सो दैट क्लैरिटी मिले, मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट लर्निंग रेट टाइम्स, इसको हम बोल सकते हैं कोफिशियंट अंडरस्कोर डेरिवेटिव। हमें एक्चुअली 10 डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, सोच के देखो यहाँ पे 10 कॉलम्स हैं, हमें 10 डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, डेल एल डिवाइडेड बाय डेल एल बाय डेल बीटा 1, डेल एल बाय डेल बीटा 2, डॉट 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 डेल एल डेल बीटा 10, हमें 10 डेरिवेटिव्स एक साथ मिलेंगे। ये ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है जिसमें 10 नंबर्स हैं, सेल्फ डॉट लर्निंग रेट एक सिंगल नंबर है, उससे आप जैसे ही 10 नंबर्स के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल ऑल्सो बी अ मैट्रिक्स ऑफ 10 नंबर्स, और फिर ये 10 वाला मैट्रिक्स इस 10 वाले मैट्रिक्स से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 10 ही नंबर्स होंगे और वही आपका अपडेटेड कोफिशिएंट्स होगा। तो सभी सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है कि आपको एक साथ
अपने सारे के सारे कोफिशियंट्स का डेरिवेटिव निकालना है एक सिंगल स्टेप में। हमने ये सीखा था, अगर आपको याद होगा, हमने ये सीखा था कि एक सिंगल का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, एक सिंगल कोफिशियंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये है, आप y ट्रेन माइनस y हैट वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वाले कॉलम से। अगर आपको डेल एल डेल बीटा टू निकालना था तो आप क्या करते थे, y ट्रेन माइनस y हैट वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते थे आप ये सेकेंड कॉलम से। ठीक है, एक साथ ये चीज कैसे कर सकते हैं ये हमें सीखना है, और एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये समझना। देखो, मान लो हमारे पास दो ही कॉलम्स होते, x1 x2, और ये हमारा y था, और फिर हमने y प्राइम कैलकुलेट कर लिया मान लो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी है, वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता मान लो। ठीक है, अब अगर मुझे कोई बोलता कि डेल एल बाय डेल बीटा वन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है टू बाय एन, एन यहाँ पे 2 है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन वाई आई माइनस वाई आई हैट, और ये फर्स्ट वाले कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता एक्स आई 1 से। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस पूरी चीज को मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं कि मैं माइनस 2 बाय एन से डिवाइड कर देता, पहले मैं निकालता ये मैट्रिक्स, पहले मैं निकालता वाई मैट्रिक्स, तो वाई क्या होता 5 और 7, फिर मैं निकालता वाई हैट मैट्रिक्स, ये क्या होता 6 और 8, तो इससे मुझे मिल जाता वाई माइनस वाई हैट मैट्रिक्स, और ये हो जाता 5 माइनस 6, जिसको कि आप बोल सकते हो माइनस 1, और 7 माइनस 8 अगेन माइनस 1, ये मेरा ये वाला मैट्रिक्स हो गया, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होता इस मैट्रिक्स से 1/3 से। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एज इन डॉट प्रोडक्ट करना था इस तरीके से। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और माइनस 3, मतलब माइनस 4 प्लस आपका माइनस 3 माइनस 4 जो भी है यार, मतलब बेसिकली एक सिंगल नंबर मिलता माइनस 8, इसको आप डिवाइड कर देते माइनस 2/2 से, और ये हो जाता आपका 8। सो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू बीटा वन एक सिंगल नंबर आता। सिमिलरली आप डेल एल बाय डेल बी टू निकालते तो भी आप क्या करते, आपका वाई माइनस वाई हैट जो मैट्रिक्स है इसको आप मल्टीप्लाई कर देते इस कॉलम से 2/4 से। ठीक है, ये y माइनस वाई हैट मैट्रिक्स आपका है -1 -1, और यहाँ पे आ जाता 2/4, फिर से आपको एक सिंगल नंबर मिलता उसको आप मल्टीप्लाई कर देते -2/n से, जिसका वैल्यू 2 है। तो आप ऐसे ऐसे करके अलग अलग सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो, बट व्हाट इफ मुझे ये सारे कैलकुलेशंस साथ में करने होते, इन दैट केस मैं क्या करता, मैं ये करता, मैं लिखता वाई माइनस वाई हैट ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता इस पूरे मैट्रिक्स से, इस पूरे मैट्रिक्स से। ठीक है, और इससे मुझे क्या मिलता 1 2 3 4, और ये पूरी चीज को मैं फिर मल्टीप्लाई कर देता -2/n से। और अगर आप देखो अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये है 1, 2 और ये है 2, 2, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, 2। सो मुझे दो नंबर्स मिलेंगे मैट्रिक्स के अंदर, x और y। तो ये जो x वाला है वो ये नंबर होगा, और ये जो y वाला है वो ये नंबर होगा। सो बेसिकली मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि अगर आपको सारे डेरिवेटिव्स साथ में निकालने हैं, अगर आपको ये सारे डेरिवेटिव्स साथ में निकालने हैं, तो ट्रिक बस इतना है कि आप डॉट प्रोडक्ट कर दो किसको किसको। यू हैव टू सिंपली डू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वाई आई माइनस वाई आई हैट और आपका पूरा एक्स ट्रेन, और इस पूरी चीज को आपको मल्टीप्लाई कर देना है विथ -2/n, जहां पे n है आपका टोटल नंबर ऑफ रोज इन योर डेटा, एंड दिस विल गिव यू। सोच के देखो, आपके केस में आपका वाई ट्रेन जो है जिसको आप वाई आई बोल रहे हो ये 353 है, सिमिलरली आपका वाई आई हैट भी 353 है।
तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 353 बाय 1 होगा। आपका जो एक्स ट्रेन है उसमें 353 कॉमा 10 आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये आपका शेप है एक्स ट्रेन का। अगर आप इसको यहां ले आओ और यहां पे लिख दो 353 कॉमा 1, तो अब एक काम करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने से क्या होगा कि इंटरनली कोई फर्क नहीं पड़ता, नंपाई हैंडल कर लेता है, ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन होता है, सो ये ट्रांसपोज वगैरह अपने आप हैंडल हो जाता है। ये हो जाता 1,353, और जब आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते मैं ठीक से नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट वन सेकेंड, मैं इसको ठीक से लिखता हूँ। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे इस वाले को, तो ये बन जाएगा 1,353, और इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो 353,10 से। ये दोनों सेम है, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा 1,10 का। सो बेसिकली आपको 10 मैट्रिक्स का एक 10 नंबर्स का एक मैट्रिक्स मिल रहा है, और उसको आप इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर से आपको एक मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका शेप इज 1,10। और ये सब क्या है, ये आपके सारे कोफिशियंट्स का डेरिवेटिव है, यही आपका कोफिशियंट डेरिवेटिव है। सो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आपको बस वापस जाना है, एंड यू हैव टू राइट दिस कोड, ध्यान से देखना, यू हैव टू सिंपली राइट दिस कोड। कोफिशियंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2 टाइम्स एनपी डॉट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, y ट्रेन माइनस y हैट, ठीक है। और इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे x ट्रेन के साथ, ठीक है। और ये जो भी मैट्रिक्स आएगा 10 नंबर्स का, इसको आप डिवाइड कर दोगे विथ नंबर ऑफ रोज इन योर डेटा विच इज x ट्रेन डॉट शेप का 0, एंड दैट्स इट गाइस। दिस इज योर कोड, दिस इज योर अपडेट रूल फॉर ऑल द coefficients, एंड अब अगर हम इसको रन करें, इनफैक्ट एक काम कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग predict का भी कोड लिख लेते हैं। सो अगर मुझे x test मिलेगा तो मुझे सिंपली रिटर्न करना है, जो भी x test आ रहा है उसको मुझे डॉट प्रोडक्ट कर देना है x test, और मेरा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स से, और मैं इसमें ऐड कर दूंगा सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट का वैल्यू, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। लेट्स टेक आवर ईपॉक्स टू बी इनिशियली 100 और लर्निंग रेट टू बी 0.01, और इसको रन किया। दिस इज द नंबर। अब यू कैन सी क्लियरली कि हमारा एक्चुअल वैल्यूज वर 151 और नंबर्स थोड़े ज्यादा बड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं ये उतने सही नहीं आ रहे, तो एक काम कर सकते हैं, R2 स्कोर निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो वी कैन राइट YPRED इज इक्वल टू GDR डॉट प्रिडिक्ट एंड विल पास आर X टेस्ट, ठीक है, और फिर हम R2 स्कोर कैलकुलेट करेंगे बाय पासिंग आर X टेस्ट एंड YPRED, एंड यू कैन सी अभी बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको ट्यून करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लर्निंग रेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। लेट्स से हमने 0.1 कर दिया, फिर से रन कर रहे हैं, एंड यू कैन सी इंप्रूवमेंट आ रहा है। नंबर ऑफ ईपॉक्स में थोड़ा बढ़ा के देख रहा हूं, लेट्स से 1000। देखो धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग ऑल ऑफ देम, एंड यू कैन सी हम ऑलरेडी 39 पे आ गए। अगर मैं लर्निंग रेट को थोड़ा और बढ़ा के 0.5 कर दूं, सी वी आर ऑलरेडी रीचिंग 0.45। ऑल्दो आप नोटिस करोगे हमारे नंबर्स थोड़े से अलग आ रहे हैं ऊपर वाले नंबर्स के कंपैरिजन में, थोड़े से अलग हैं, बट उतना डिफरेंस आ जाएगा आपके अप्रोच में, ठीक है। आप थोड़ा सा और फाइन ट्यून करोगे तो मे बी आप और थोड़े एक्यूरेट नंबर्स ला पाओगे, बट क्लियरली कैन सी अभी हमारा जो मेथड है इट इज काइंड ऑफ आउट परफॉर्मिंग ऊपर वाला लीनियर रिग्रेशन। वैसा ऐसा है नहीं, आप क्रॉस वैल स्कोर निकालोगे तो नहीं हो पाएगा, बट या यू कैन सी कि हम वी आर रीचिंग समवेयर क्लोज। आपको बस थोड़ा सा और फाइन ट्यून करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है। सो या दैट्स इट, हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, हमने स्क्रैच से एन डायमेंशन में ग्रेडियंट डिसेंट लगाना सीखा, और वीडियो का टाइटल ऑल दो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, बट हम ग्रेडियंट डिसेंट ही पढ़ रहे हैं क्योंकि नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट इज
बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।